द मनी डिमांड फंक्शन विलासिटी एंड क्वान्टिटी थ्योरी ऑफ मनी डे स्टूडेंट्स हम मनी डिमांड फंक्शन पर बात कर रहे थे तो आज हम इसमें बात करेंगे कि विलासिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और ये मनी डिमांड फंक्शन से किस तरह से रिलेटेड है इसका क्या रिलेशनशिप है सो so, विलासटी का जो वर्ड है जो कॉन्सेप्ट है ये यूजली हम मॉनेटरी पॉलिसी को जब डिस्कस करते हैं तो उसमें ये यूज़ करते हैं और इससे मुराद ये है कि ऑन एवरेज अ यूनिट ऑफ करेंसी फॉर एग्जांपल रुपी हमारी करेंसी है तो इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑन एवरेज हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट ऑफ करेंसी इज़ यूज सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन सेट हाउ मच मनी टर्न ओवर ईच पीरियड सो विलासिटी की डेफिनेशन क्या हुई कि विलासिटी मीन्स के हाउ मच मनी टर्न ओवर ईच पीरियड यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फॉर एग्ज़ाम्पल एक फाइनेंशियल ईयर में एक यूनिट जो हमारा है करेंसी का एक रुपयी वो कितनी मरतबा यूज होता है ठीक है इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वी विलासिटी के लिए एंड नॉमिनल जी डी पी Divided by nominal money stock. So, nominal GDP is P times Y, Y is the real GDP, P is the price level, so price level multiplied by real GDP, this becomes nominal GDP divided by M, M is the nominal money stock. So, this will determine the value of velocity.

Py is equal to hundred, and m is say twenty. So velocity will be answer is five. Five means that we have in fact twenty units of currency, okay, and each unit of currency will be used five times in in that particular time period because we have to we have to purchase we have to make transactions of. हंड्रेड रुपीस यानी टोटल वैल्यूज़ की हंड्रेड है तो हंड्रेड रुपीस की ट्रांजेक्शन्स करनी है लेकिन इकोनॉमी में अमाउंट ऑफ मनी कितनी है मनी स्टाक कितना है ट्वेंटी तो इट इट मीनस कि ईच यूनिट ऑफ द करेंसी विल बी यूज फाइव टाइम्स तो रुपए के बारे में आप जानते हैं कि बाकी चीज़ों तो एक दफ़ा इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती ना रुपी तो बार बार इस्तेमाल होगा तो इस इस कॉन्टेक्स में ये विलासटी का कॉन्सेप्ट है सो so, इसमें हमारी एक अंडरलाइन अदम्पन ये है के वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ प्रपोर्शनल टू द जी डी पी ट्रांज़ेक्शन्स में आप जानते हैं जो टोटल इकॉनमी में ट्रांजेक्शन होती हैं उसमें न्यूली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन भी है और आ, कुछ उसके शेयर जो है वो जो प्रीवियसली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज थी उनकी भी ट्रांजेक्शन होती हैं तो जब हम ये कहते हैं कि ये आपके नॉमिनल जी डी पी के आ, उस पर डिपेंड करती है तो इसमें हमारी अंडर लाइन टोटल ट्रांजेक्शन हैं इसका इसका प्रपोर्शन नॉमिनल जीडीपी के साथ कांस्टेंट रहता है ओके okay. एम्परिकल डाटा पर भी हम बात करेंगे कि वो वेलोसिटी के बारे में क्या हमें बताता है वेलोसिटी ऑफ हम डेफिनेशन एम वन एंड 2 टू की हम डेफिनेशन लास्ट मेड्यूल्स में, में पढ़ चुके हैं तो उसमें हम देखेंगे थोड़ा सा कि एम वन की विलासिटी की क्या सूरत हाल है एम्पीरिकली और एम टू की वेलोसिटी की क्या सूरत हाल है सो वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से आया है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो मनी डिमांड का एक सबसे आप कह सकते हैं क्लासिकल थ्योरी है इसके मुताबिक ये है रियल मनी डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू रियल इनकम सिंबॉलिकली हम क्या लिखेंगे मनी डिमांड एम डी डिवाइड बाई पी एम डी द नॉमिनल मनी डिमांड डिवाइडेड बाई पी तो दिस विल गिव यू द रियल मनी डिमांड आप जानते हैं मैं आपको बता चुका हूं बार बार कि किसी भी नॉमिनल वेरिएबल को जब हम प्राइस लेवल से डिवाइड कर देते हैं तो ये वो रियल वेरिएबल हो जाता है तो एम डी इज अ नॉमिनल मनी डिमैंड पी प्राइस लेवल टू दिस गेव यू द रियल मनी डिमैंड दिस इज इक्वल टू के वाई के इज सम कॉन्स्टेंट वाई इज द रियल आउटपुट सो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि रियल मनी डिमैंड इज है पर रिलेशनशिप विद वाई एंड उस वो प्रपोशन क्या है उसको हम डिनोट कर रहे हैं बाई के से ओके प्रीवियसली जो हमने मनी डिमांड फंक्शन पढ़े थे वो अगर आप रिकॉल करें तो उसमें हमारे पास क्या था कि रियल मनी डिमांड जो था दैट वाज़ द फंक्शन ऑफ वाई रियल इनकम एंड आर रियल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ये इन चीज़ों पर फंक्शन था ये बेसिकली आर प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन दिस इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट सो बेसिकली हमने उस वक्त ये पढ़ा था कि मनी डिमांड जो है ये डिपेंड करती है इनकम पर और ये डिपेंड करती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर ओके okay? लेकिन इस क्लासिकल थ्योरी में ये अज्यूम किया जाता है कि मनी डिमांड जो है वो ना इनकम पर डिपेंड करती है ओके okay? और ना ही इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करती है ये उससे इंडिपेंडेंट है वट इज़ द इनकम लेवल मनी डिमांड विल रिमेन सेम कॉन्सटेंट रहेगी and similarly whatever is the real interest rate whatever is the expected inflation rate ya in dono ko jama karne se whatever is the nominal interest rate so money demand constant rate ye isme assumption hai basically classical theory quantity theory of money mein jo tha wo classical economists jo the wo money ka role सिर्फ transaction purposes के लिए वो समझते थे कि money सिर्फ transaction purposes के लिए यूज़ होता है स्पेकुलेशन पर और बाकी जो परपजेज के लिए वो इसके कायल नहीं थे इसलिए वो इस पर उनका फोकस था और मनी की आप जानते हैं बेसिक डेफिनेशन ये कि मनी की डेफिनेशन ये कि ये वो चीज़ है जो ट्रांजैक्शंस के लिए जनरली एक्सेप्टेबल है तो इसी बुनियाद पर ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी रिलेशनशिप बनाती सो इसमें अज्यूमिंग वेलोसिटी दैट इज़ वन ओवर के इस कांस्टेंट

वन फोर्थ डिमेंड करने का मतलब ये हुआ कि हम हर यूनिट ऑफ करेंसी को उस टाइम पीरियड में फोर टाइम्स हम उसको यूज़ करेंगे एक रुपये एक साल में चार दफ़ा इस्तेमाल होगा तो दिस विल दिस विल बी द नंबर ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी फिर किसके को होगा वन ओवर के के की वैल्यू अगर आपके पास पॉइंट टू फाइव है तो उसके नतीजे में वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास फोर आ जाएगी सो so, इससे आप रिलेशनशिप भी कि वेलोसिटी का मनी डिमांड के साथ क्या रिलेशनशिप है नेक्स्ट इस कि एम्पेरिकली क्या सूरत हाल है अमेरिकन हिस्ट्री हमें यह बताती है कि एम वन इज़ नॉट कॉन्सटेंट जबकि क्वान्टिटी थ्री ऑफ मनी में रज्यूम किया जाता है कि वेलोसिटी इज़ इज़ कॉन्सटेंट सो एम्पेरिकली एम वन इज़ नॉट कॉन्सटेंट It rose steadily from 1960 to 1980 and uh, has been erratic since then. 1960 and 80 is quite erratic behavior, unpredictable behavior. Part of the change in velocity is due to changes in the interest rate in 1980. The velocity change in the change is partly due to

ठीक है बट नाट ओवर शॉर्ट पीरियड्स तो इस तरह से आज हमने देखा कि डिमांड फॉर मनी और विलासिटी का क्या ताल्लुक है और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को इससे हमने इसकी मदद से हमने समझा थैंक यू वेरी मच